लिखा है अगर आपको प्रूव करना है जिंदगी में कुछ तो उसके लिए इम्प्रूव करना पड़ता है. इफ यू वांट टू प्रूव एनीथिंग यू हैव टू इम्प्रूव. इम्प्रूव में और प्रूव में दो स्पेलिंग अलग हैं, सिर्फ दो लेटर अलग हैं. आई एम किसको इम्प्रूव होना पड़ेगा, लेकिन मुझको. समझ आ रहा है? क्या लिखा है? अगर प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? कितने लोग इंप्रूव करने के लिए तैयार हैं? इंप्रूव का मतलब अपने अंदर कुछ ऐसी काबिलियत डालनी है जो आज से पहले नहीं है. क्योंकि जितनी काबिलियत अभी है आपके पास, उतनी काबिलियत से तो आपको 20,000 मिल ही रहे हैं, 25 मिल ही रहे हैं, 30 मिल ही रहे हैं, या 50 मिल ही रहे हैं, या 70 मिल ही रहे हैं. लेकिन कमाने हैं 10 लाख रुपए महीना, क्या करना पड़ेगा? किसी ने बोला है आप उतने ही जीवन में ऊपर जा सकते हो जितना आप अपने को, दिमाग को ले जा सकते हो. समझ आ रहा है? उससे ऊपर नहीं जा सकते जितना आपका दिमाग ऊपर नहीं जाएगा. तो दिमाग को इंप्रूव करना है, खुद के ऊपर हमको काम करना है. और ये काम एक दिन में हो जाएगा कि इस तरीके की बार बार ट्रेनिंग्स में आना पड़ेगा? आज मैं आपको सिखा रहा हूं मान लो, तो मैं एक ही ट्रेनिंग ली होगी कल मैंने कोई किसी से, आज आके दे रहा हूं सीधा. कितनी ली होंगी? लेकिन हमारी आदत कैसी है, कोई भी काम करने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा इससे पीछा कब छूटेगा. बोलो. सबसे पहले एक सवाल हमारे यहां बहुत आता है कि सर अब मेरे 2 बन गए, अब भी मैं ही करूं? उसने इस बिजनेस को क्या सोचा था? आज तक किसी ने बोला मैंने बच्चा पैदा तो कर दिया, बड़ा भी करूं क्या? क्यों पूछा क्या किसी ने? क्या करते हैं हम? पहले पैदा करते हैं, फिर क्या करते हैं? बड़ा करते हैं. बड़ा होने के बाद छोड़ देते हैं? कब छोड़ते हैं? अरे जिम्मेदार पे भी नहीं छोड़ते हिंदुस्तान में. जिम्मेदार होने के बाद बोलते हैं अब तू तनख्वाह मुझे नहीं देता. वो पूछता है मैं किस लिए दूं, कि मैंने तुझे पढ़ा लिखा है नहीं है. फिर उसकी तनख्वाह खाने के चक्कर में रहते हैं. फिर उसकी छोड़ो, उसके बेटे की भी तनख्वाह खाते हैं. समझ आ रहा है? विदेशों का कल्चर क्या है, यूरोप का, इंग्लैंड का, अमेरिका का, कि जैसे ही 18 साल का बच्चा हो जाता है तो उसको वो इंडिपेंडेंट कर देते हैं. बोला तुम्हें जहां जाना हो, जहां रहना हो, जो करना हो वो करो. और यही नेचर है प्रकृति का. प्रकृति का नेचर क्या है, कोई भी चिड़िया अपने घोंसले में कभी भी अपने जवान बच्चे को रखती है? कोई भी शेर अपने जवान शेर को अपनी मांद में रखता है? कोई भी गाय अपने बच्चे को बार बार पूछती है मेरा बेटा कहां है तब दूध दूंगी? सब पैदा करके थोड़े वक्त के बाद छोड़ देते हैं ना. इंसान इतना खास करके हिंदुस्तान का, उससे छोड़ते नहीं बनता. समझ आ रहा है? लेकिन इस बिजनेस में हम लोग आते ही क्या करते हैं, पहले करते नहीं है कुछ भी, छोड़ने की पहले सोचते हैं. बोला ये बंद कब होगा ये बताओ सर. आज आप ट्रेनिंग में आए हो सारे लोग, अब आप में से कई लोग पूछेंगे लास्ट में जाते वक्त कि सर कब तक आना पड़ेगा, कितनी बार और? मैं आप सबसे पूछता हूं, नौकरी पे कितनी बार जाना पड़ेगा और? रोज. रोटी कब तक पड़ेगी? पानी कब तक पीना पड़ेगा? सांस कब तक लेनी पड़ेगी? तो ये काम कब तक करना पड़ेगा? लेकिन इससे पहले तो आप पूछते थे ना अपने अपलायंस से कि भाई कब तक आऊं यार, मैं रोज नहीं आ सकता भाई. समझ आ रहा है आपको? तो इसका कोई अंत है? मेरे लिए तो अभी तक नहीं आया. 15 साल पहले मैं सीखता था आपकी तरह, 15 साल बाद मैं इसको सिखाता हूं, आज के 15 साल बाद भी सिखाऊंगा. बस हो सकता है इतना कि इतने सारे लोग 150 किसी कमरे में कहीं बैठे होंगे 5 स्टार 7 स्टार होटल में, और वो सब क्राउन होंगे. बस उनको सिखा रहा हूं, उनको सिखा रहा हूं. थैंक यू वेरी मच. लेकिन सच बताओ मेरे को, सिखाना कब बंद होगा? कभी बंद होगा? कभी कोई पूछता है पत्नी को कितने दिन तक रखना है अपने साथ? 1 साल 2 साल. एक्सपायरी डेट कब है?
एक ही चीज हिंदुस्तान में ऐसी है, पत्नी जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। समझ आ रहा है? जब ले आए तब तक पीछा नहीं छोड़ेगी। और पत्नियां ज्यादातर बोलती हैं अपने पति को कि 7 जन्म तक रहूंगी आपके साथ। कितने जन्म? 7। मैं पूछता हूं उनसे, मैंने कहा ऐसा क्यों कर रही हो, एक ही जन्म में इतनी मुसीबत है, अगले 6 जन्म क्यों बर्बाद कर रही हो। लेकिन मैंने इसका लॉजिक ढूंढा, बताऊं आपको क्या है। आधे जन्म तो पत्नी ठोक पीट के पति को सही करती है, अपने हिसाब से अपने मुताबिक बनाती है, और जब तक मरने के दिन आ जाते हैं, तो इसीलिए वो बोलती है कि अगले जन्म में यही मिले जैसे सुधारना ना पड़े, यही मिले। अगली बार यही मिल जाए जिससे अगली बार आधा समय खराब ना करना पड़े। समझ आ रहा है कि नहीं? ये हिंदुस्तानी पत्नियां होती हैं। तो कितने लोग आप में से इंप्रूव होने के लिए तैयार हैं? Yes! तैयार हो? Yes! हो सकते हो? Yes! रोज ट्रेनिंग में आ सकते हो? Yes! मैं आऊंगा तभी आओगे कि हर बार आओगे? Yes! हर बार ना? Yes! दोस्तों, हमारे बिजनेस की एक क्वालिटी है, इसको थोड़ा दिल से समझो आप। इस बिजनेस में ही बड़े लोग आपको बड़ा बनना सिखाते हैं। दूसरे जहान के किसी काम में, कोई काम हो आपका, वहां आप कभी भी बड़े आदमी से बड़ा बनना सीख नहीं सकते। इस बिजनेस के अलावा आप मुझे बताओ, अगर आप राजनीति में हो मान लो, और कोई विधायक है, कभी आपको पर्सनली बैठ के 5 घंटे आपकी ट्रेनिंग लेगा कि विधायक कैसे बनना है? बोलो। आपका अफसर है कोई, कभी अफसर आपको पूछेगा कि भाई तेरे को अफसर बनाना है, मेरे पास आ जाइयो सुबह 5 से 9, मैं तेरे को सिखाता हूं अफसर ऐसे बनना है? अंबानी इतना बड़ा बिजनेसमैन है, कभी हम जैसे को बिठा के कभी समझाएगा कि बेटा ऐसे बनते हैं बड़ा बिजनेसमैन? लेकिन इस बिजनेस का बड़ा आदमी अपने घर से चल के आके आपके सामने 5 घंटा खड़े होके गला फाड़ के हर बार आपको अपने जैसा बनाने के लिए पीछे पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। इस बिजनेस की ये मजबूरी ना मेरे को दुनिया की सबसे अच्छी मजबूरी लगती है। इस बिजनेस में मजबूरी क्या है? इस बिजनेस में मजबूरी है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको 2 लोगों को आगे बढ़ाना होगा, और उन 2 लोगों को आगे बढ़ना है तो, और उन 2 लोगों को आगे बढ़ना है तो, और उन 2 लोगों को आगे बढ़ना है तो, और उन 2 लोगों को आगे बढ़ना है तो, और मार्केट की और दुनिया की क्या मजबूरी है? अगर आपको आगे बढ़ना है तो 2 लोगों को नीचे गिराना पड़ेगा, और उन 2 लोगों को, और उन 2 लोगों को, और उन 2 लोगों को, और उन 2 लोगों को। कौन सी मजबूरी ज्यादा बढ़िया? ये वाली ना। तो इसमें आके इसका हिस्सा बनो, स्वर्ग के दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए, लिख के ले लो मेरे से, स्वर्ग के दरवाजे खुल रहे हैं। ये जो बिजनेस है ना नेटवर्क मार्केटिंग, अगर इसको पूरी ताकत के साथ पूरा हिंदुस्तान करने लग जाए तो मैं लिख के दे सकता हूं, राम राज आ सकता है इस बिजनेस के माध्यम से, राम राज। क्यों क्यों आएगा? क्योंकि सच बताओ, क्या हम कभी जाति बात करते हैं? नो। धर्म की बातें करते हैं? नो। कभी रंग भेद करते हैं? नो। कभी आरक्षण की राजनीति करते हैं? नो। कुछ नहीं करते, सिर्फ काबिलियत की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, जीवन कैसे बनेगा इसकी बात करते हैं। और मार्केट में दुनिया भर में ये हजारों बातें हो रही हैं कि नहीं? धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है कि नहीं? आरक्षण के नाम पे, जाति के नाम पर, रंग भेद के नाम पे, धुआंधार यहां राम राज आ रहा है। तो किस जगह रहना चाहिए? राम राज इसमें ना। तो कितने लोग आप में इस बिजनेस में प्रूव करने के लिए तैयार हैं? जी हम प्रूव कर देंगे, डायमंड बन जाएंगे। बन जाओगे ना?